हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो विंटर स्टार्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में, और स्किन केयर के साथ साथ हमें अभी लिप केयर प्रोडक्ट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आज हम ऐसे ही एक लिप केयर प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, लिनेज लिप स्लिपिंग मास्क के बारे में। लेनेज एक पॉपुलर कोरियन ब्रांड है दोस्तों, और इनका जो ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी है वाटर साइंस टेक्नोलॉजी, वो बहुत ही फेमस है, और उसी सीरीज़ का ये प्रोडक्ट है दोस्तों। तो ये मैंने ये स्टाइल से ख़रीदा था 324 रुपीज़ में। अराउंड 3 ग्राम इसका प्रोडक्ट क्वांटिटी है, और इसका शेल्फ लाइफ जो है ये 2 ईयर्स का है। और इंडिया में भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है नायका पे, 8 ग्राम्स का कुछ तो 500 रुपीज़ है, और 20 ग्राम्स का कुछ तो 1150 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है दोस्तों। ये इंटरनेशनल टोटल 4 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, बेरी, वेनिला, लाइम एंड ग्रीन एप्पल, लेकिन इंडिया में सिर्फ बेरी फ्लेवर ही अवेलेबल है। तो सैम्पल साइज़ आप पहले बाय करके देख सकते हैं। और लिनेज और क्लेस के प्रोडक्ट आप इंडिया में खरीदेंगे तो मुझे लगता है इनका प्राइस जो है सेम ही पड़ता है इंटरनेशनली भी। तो दोस्तों, ये पिंक कलर की छोटे से टब पैकेजिंग में आता है, नीचे से ओपन है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है वो 3 ग्राम ही है, सैम्पल साइज़ है ये प्रोडक्ट। और इसे जो है स्क्रू कैप आती है, आप देख सकते हो, और अंदर लाइट पिंक कलर का एकदम क्रीमी मास्क है ये देखिए। इसका जो बड़ा टब आता है उसके साथ स्पैचुला आता है, तो आपको अप्लाई करने में इजी होता है, लेकिन सैम्पल साइज़ के साथ स्पैचुला नहीं आता है, तो आपको फिंगर से ही अप्लाई करना पड़ता है। आपको एकदम थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लेना है दोस्तों, ये देखिए। आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके स्प्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके लिप्स पे वो स्प्रेड होता है। आप मेरे हाथ पे देख सकते हो वो कितने अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। इंग्रेडिएंट लिस्ट का स्क्रीनशॉट मैं लगा रही हूँ तो आपको देखने में आसानी होगी। कॉस्ट डीएनए की साइट से है ये, और इसमें काफ़ी सारे अच्छे इंग्रेडिएंट है, ग्लिसरीन, शिया बटर है, फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड है दोस्तों। टाइटेनियम डाइऑक्साइड है मतलब ये हमें यूवी ए यूवी बी से हमें प्रोटेक्शन देगा, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें फ्रेग्रेंस देखेंगे तो काफ़ी ऊपर है। आप फर्स्ट शीट में टाइटेनियम डाइऑक्साइड के ऊपर आप देख सकते हो, तो काफ़ी ऊपर है ये, मतलब इसका प्रमाण जो है फ्रेग्रेंस का बहुत ज़्यादा है इसमें। और इसमें जो है लास्ट में आप देखेंगे तो पिगमेंट्स है 4 इंग्रेडिएंट, तो वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि आर्टिफिशियल कलर नहीं होता था तो ज़्यादा अच्छा लगता था। इसमें जो लाइट पिंक कलर जो है वो शायद से इसी की वजह से है। और दोस्तों, आप देखेंगे ग्लिसरीन के नीचे सेकंड शीट का जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है इथेनॉल, जो मुझे पसंद नहीं आया, ये अल्कोहल है। तो दोस्तों, मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है 22 जून से मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया दोस्तों, और मैं इसे रोज़ यूज़ करती हूँ नाइट टाइम रूटीन में, और एकदम थोड़ा सा क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ दोस्तों, और अभी भी इतना ही प्रोडक्ट फिनिश हुआ है। मतलब ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है दोस्तों। और इसके यूसेज के बारे में बताऊंगी तो रात को अगर मैं लगाती हूँ इसे तो मॉर्निंग तक ये मेरे लिप्स पे रहता है, और बाद में मॉर्निंग में आपको लाइट कॉटन से या फिर आपके जो आपका क्लींजर रहता है वाटर क्लींजर, उससे आपको निकालना रहता है। ये ऐसे इजीली निकलता नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं हमारे जो लिप बाम्स रहते हैं वो 1 या 2 घंटे में निकल जाते हैं, हमें रीअप्लाई करना रहता है, लेकिन ये जो है ये आप एज ए लिप बाम भी लगाते हो तो ये निकलता नहीं है इजीली दोस्तों, तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है दोस्तों वो हिसाब से। इसमें जो फ्रेग्रेंस है इथेनॉल है, पिगमेंट्स है, वो मुझे पसंद नहीं आए दोस्तों। पता नहीं पिगमेंट्स के कलर की क्या स्किन केयर में ज़रूरत है। और फ्रेग्रेंस की बात करेंगे तो फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा ऊपर है इंग्रेडिएंट्स में, भले ही उसका जो फ्रेग्रेंस बहुत ही लाइट है, बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है, फील भी नहीं होता है फ्रेग्रेंस है, लेकिन फ्रेग्रेंस का प्रमाण ज़्यादा है। और एल्कोहल की बात करेंगे दोस्तों तो एल्कोहल अगर लिप केयर प्रोडक्ट में है, स्किन केयर प्रोडक्ट में है, तो मतलब ही नहीं बनता है। तो ये 3 चीज़ें छोड़ेंगे तो दोस्तों ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छे से मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज़ करता है, बिल्कुल भी मुझे ड्राइनेस या सेंसिटिविटी फील नहीं हुई, या कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसे यूज़ करने के बाद मेरे लिप्स डार्क हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों ये प्रोडक्ट मुझे। फ्रेंकली स्पीकिंग में मेरे 4 ईयर्स ओल्ड के डॉटर पे भी ये इसे यूज़ करती हूँ, उसके लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं और मुझे फ़र्क दिखा है दोस्तों। इसका मैंने ड्यूप प्रोडक्ट भी परचेस किया था, लिनेज के पहले मैंने कैरनेल यूज़ किया था, और अब मुझे फ़र्क दिखा दोस्तों, दोनों के प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क है। कैरनेल थोड़ा सा सस्ता है लिनेज के हिसाब से, लेकिन दोनों के
रिजल्ट्स के बारे में बोलूँगी तो दोनों के रिजल्ट्स काफ़ी अलग है दोस्तों। कैनल भी अच्छा है लेकिन लिनेज के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो आप दोनों में से कौन सा यूज़ करना है मुझे पूछोगे तो मैं लिनेज को ही प्रीफर करूँगी दोस्तों, क्योंकि लिनेज के रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे और लॉन्ग लास्टिंग लगे दोस्तों। 500 rupees फॉर 8 ग्राम्स आप बोलोगे महंगा लगेगा, लेकिन दोस्तों आपको एकदम थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। तो 8 ग्राम्स आप बोलोगे तो आपको 8 से 10 महीना या साल भर भी ये यूज़ हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों ये महंगा है, ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों हमारे फेस्टिव सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए और नायका बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट लेके आ रहा है, तो अगर आपको ये अच्छे डिस्काउंट में मिलेगा तो जरूर इसे परचेस कीजिए और मुझे बताइए आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, तो आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।